बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू कीमे का कोरमा। गाइस ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए सामान नोट कर लेते हैं। मैंने लिया है 3 पाव कीमा है ये, और ये है 5 अदद आलू है, इस तरह मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, 2 अदद प्याजे हैं, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ये है जायफल जावित्री का पाउडर 2 पिंच के करीब। ये है कोरमा मसाला 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/1 टीस्पून। गाइस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई जो है चूल्हे पर रख दी है, उसमें 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैंने इसमें प्याज डाल दी है ताकि ये ब्राउन हो जाए। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है, हमें इसी तरह की चाहिए। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ ताकि कीमे के साथ हम प्याज को अच्छे से जो है भून सकें, मिला सकें। और गाइस इसी के साथ जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इन चीज़ों को हमें इतना भूनना है कि कीमे का कलर जो है चेंज हो जाए, हमें जब तक कीमे को फ्राई करना है। तो गाइस ये देखिए मैं किस तरह इसको मिलाते हुए भून रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे गाइस इसको जो है अच्छी तरह फ्राई होने में, तो आप लोग भी इसको ज़रूर फ्राई कर लिएगा इसी तरह जिस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्लेम को जो है मीडियम रखिएगा। ये देखिए कलर जो है चेंज हो गया है कीमे का। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के रखे हुए थे मसाले, ताकि मसालों के साथ भी जो है ये अच्छे से भुन जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि कीमे ने अपना जो है पानी कितना जो है रिलीज़ कर दिया है। इसी में जो है हम मसालों को भूनेंगे इसी पानी के साथ, हम इसमें अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैं किस तरह जो है मिलाते हुए इसको अच्छे से भून रही हूँ। गाइस मसालों को भूनना ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से फ्लेवर आए हमारे सालनों में। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। गाइस ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं कीमा आलू का कोरमा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इस पर कवर लगा रही हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये गल जाए, और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी थी। ये देखिए गाइस तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और अब कीमा जो है गल चुका है और सारे मसाले भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और भूनेंगे जब तक इसका ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए मैं किस तरह इसको भून रही हूँ। ये देखिए गाइस तकरीबन जो है पानी खुश्क हो गया है, 2 मिनट लगे हैं इसको इसी तरह भूनते हुए। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ जो हमने कट करके रखे हुए थे, और आलू ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद मैंने बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है जैसे हम चावल रखते हैं गाइस दम पर, बिल्कुल वैसे ही इसको रख दूँगी कवर लगा कर। बिल्कुल दम पर हमें रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है। इसी के साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी नरम हो जाए, गल जाए और इनका फ्लेवर भी आ जाए अच्छे से। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद इसका लुक कैसा है। तो मैं अब इसमें कवर लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये अभी से ही। और आप लोग देख सकते हैं कि आलू और कीमा दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं और ऑयल भी नज़र आने लग गया है। तो गाइस हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं दोबारा इस पर कवर लगा दूंगी 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे सालन का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये बहुत ही अच्छा बना था आलू कीमे का कोरमा। गाइस आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।